अस्सलाम वालेकुम वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अपने अपने घरों में खैरियत के साथ होंगे। और आज हम आपके साथ एक बाज़ार का व्लॉग शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को लाजमी और ज़रूर पसंद आएगा। ये खुबानियाँ हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ खुबानियाँ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाज़ार आए थे आज और ये कुछ चेरी के बॉक्सेस बने हुए हैं, ये आप घर भी लेके जा सकते हैं और नहायत ही मुनासिब कीमत है इसकी। और ये आलू बुखारा है। तो हम लोग बाज़ार आए, हमने कहा कि आज आपके साथ बाज़ार में एक व्लॉग शेयर करें। और ये पीच हैं, आड़ू, नेचुरल आड़ू हैं। तो नेचुरली फलों का जूस बना के आप लोग पिया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये आम की एक रेड़ी लगी हुई थी, तो मैंने कहा आम का भी व्लॉग आपको साथ शेयर करें, क्योंकि आम का मौसम आया हुआ है और आम जो कि फलों का बादशाह है, उसकी काफ़ी क्वान्टिटी में हम आपके साथ जो है वीडियो शेयर करेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत चेरी के बॉक्सेस बने हुए हैं। और ये एक और आम की जो रेड़ी लगी हुई, मैंने आपके साथ शेयर किया व्लॉग, क्या खूबसूरत आम है, देख सकते हैं आप लोग। और इतने ज़्यादा है क्वांटिटी में भी, लेके जाइए आप लोग। रावलपिंडी से आप लोगों को हम लोग बाज़ार का व्लॉग शेयर कर रहे हैं। ये भी आमों की फेरी लगी, इसका भी मैंने आप लोगों को व्यू करा दिया। और आम जो है, इसका मिल्क शेक भी हम लोग बना के आपको घर में शेयर करेंगे अभी आपके साथ। आगे आगे देखते जाइए, अभी आमों का मिल्क शेक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे घर में। और ये एक और आम की जो रेड़ी लगी हुई, उस पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये है लंगड़ा, मिनी सिंदड़ी, और वो है चौंसा। इन दोनों की कॉस्ट मैंने आपको बताई, क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट मैंने पूछी तो फिर मैंने आप लोगों को बताई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे आम। आमों का एक व्लॉग हम आपके साथ बाज़ार का शेयर कर रहे हैं, और फ्रूट्स का, क्योंकि फ्रूट्स अल्लाह ताला की नेमत है। और ये सब्ज़ियों का व्लॉग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक दुकान थी सब्ज़ी की। फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला की नेमत है, आप लोगों को जितना ट्राई करेंगे उतना आप लोगों को सवाब भी मिलेगा और ख़रीदा करेंगे चीज़ें। और ये केलों का व्लॉग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये केले लगे हुए हैं, क्या खूबसूरत बड़े बड़े केले हैं। और ये खरबूजे लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो ये भी हम लोग यहाँ से अभी लेके जाएंगे, परचेस करेंगे घर में। खरबूजे भी हमने पता किए। और ये आलूचे इनके पास लगे हुए हैं, और इनके पास कुछ ही फ्रूट रह गए, बाकी सारा इनका बिक गया। और ये भी आमों का एक लगी हुई है रेडी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किए, ये खरबूजे हैं। और जी, हम लोग आम लेके अब घर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, पेटी में हम लोग पूरी पेटी भर के आम लेके आए। हर तरह के थोड़े थोड़े हमने आम परचेज़ किए, एक पेटी बना के हम घर लेके आए, क्योंकि आमों का मौसम है, एक ही बार लेके हमने 5-6 दिन के लिए रख लिए हैं। और ये आम हम लोगों ने अब निकाल लिए हैं ट्रे में, और हम आपके साथ चलते हैं एक मिल्क शेक बनाने। देख सकते हैं वाइटी फ्रेंड्स, मिल्क शेक के लिए हम लोगों ने चीज़ें तैयार करके रख ली हैं, और जग जूसर में हम लोगों ने डाल के रख लिया है आम कटे हुए। और ये चीनी है, ये आम है, ये चीनी है, और ये हम लोगों ने ऑलपर्स डेयरी उमंग का हम लोगों ने 1 किलो वाला जो है पैक लेके रख लिया दूध का। 1/2 kg हम लोग उसमें डालेंगे 1 quart में, और 1/2 kg हम लोग 1 quart में डालेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आम जो है वो फलों का बादशाह है, और इसके मिल्क शेक्स बना के आप लोग पिया करें। तो हम लोग इतना ज़्यादा मिल्क शेक पतला नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ जग में बर्फ़ डाल दिया है ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं पीने होता। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोगों ने जिस तरह का भी रेडी करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने इसमें मिल्क डाल दिया 1/2 kg, ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है इसको ग्राइंड करना। जग में दिखाते हैं कितने से मैंने बर्फ़ डाली है। हालांकि 1 किलो दूध है, और 1 ही किलो हमने लोगों ने आम काटे हैं, 2 किलो हो गया। और जग में मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को बर्फ़ मैंने कितनी सी डाली है यहाँ पे। ये देखें, थोड़ी सी बर्फ़ डाली, इतनी सी बर्फ़ होनी चाहिए कि बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा पतला हो जाए, ज़्यादा पतला भी नहीं अच्छा होता और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा होता। लेकिन जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है वैसे आप लोग ट्राई कीजिए। और बाज़ार की भी आमों की आपको मैंने सैर करा दी आज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कैसे बना है और कैसी सब कुछ लग रहा है आपको बाज़ार में। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, और बेल आइकन से ज्वाइन कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के ऊपर आप लोग फ्रेंड्स बने रहिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। और ये हम लोगों ने इसमें 1 और कोट तैयार कर रहे हैं हम लोग, 1 कोट हमने करके जग में डाल दिया है, जो दूसरा कोट इसका बनना तैयार हो गया।
तो जिस तरह का भी आप लोगों ने बनाना हो वैसे बनाएं। और ये हम लोगों ने आम का जूस बना के तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने खूबसूरत अंदाज़ में बना दिया। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से आप लोगों से मिल पाएंगे।